नहीं रहे रतन टाटा। अभी का अपडेट आपको बता दूं कि रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो मुंबई के नारिपन पॉइंट के NCPA लॉन्स में फिलहाल रखा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां अंतिम दर्शन के लिए हुजूम लोगों का उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। सभी खासो आम पहुँच रहे हैं यहाँ पर नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। रतन टाटा का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ राजकीय सम्मान के साथ देश रतन टाटा को विदाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने कहा, रतन टाटा सिर्फ देश के नहीं बल्कि दुनिया के सम्मानित उद्योगपति थे। रतन टाटा जो विरासत छोड़कर गए हैं वो लंबे समय तक देश के लिए मार्गदर्शक रहेगी। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्माननीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। रतन टाटा 1991 से लेकर 2012 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे और 2012 में टाटा सन्स का मानद अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया। अनमोल रतन, अलविदा रतन टाटा। ABP News आपको रखे आगे।